हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि वर्तमान समय में काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है और वो दोस्तों है बियर्ड को लेकर। तो दोस्तों आज की जनरेशन में हर युवा चाहता है कि उसकी अच्छी खासी बियर्ड आ जाए, ज्यादा नहीं तो आकर्षक नहीं आए तो थोड़ी बहुत आ जाए, जिससे वो दोस्तों अपने फेस पर बियर्ड रख सके, जिससे दोस्तों वो मैन जैसी फीलिंग ले सके। यानी कि जो जिनके लोगों की बियर्ड नहीं आती वो ऐसे लगते हैं बिल्कुल चप्पू टाइप के लड़के, और जो लोग क्लीन शेप रखते हैं तो दोस्तों काफी लोगों को क्लीन शेप पसंद होता है, बट जैसे हम जैसे लोगों को बियर्ड रखना पसंद। तो दोस्तों जिन लोगों की बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं आती है वो ये सोचते हैं कि यार थोड़ी बहुत तो आ जाए जिससे कि हम रख तो सके, और जिनके हमारी जैसी आती है बिल्कुल पैची बियर्ड और जिनके हमारे जैसी आती है बिल्कुल पैची बियर्ड जिससे कि हम दोस्तों रख सकते हैं, बट दोस्तों काफी जगह जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर हमारे थोड़ा सा पैच है, यानी कि इस जगह बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं आती है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारे और ज्यादा दाढ़ी आ जाए। तो दोस्तों जिनके थोड़ी बहुत आती है वो ये चाहते हैं कि और ज्यादा आकर्षक लगे, और ज्यादा दाढ़ी आ जाए, घनी आ जाए, अच्छी आ जाए। आप परवेश वर्मा को तो जानते होंगे, विराट कोहली को जानते होंगे, उनका दाढ़ी काफी अच्छी लगती है तो हमें उनकी दाढ़ी काफी पसंद होती है। तो दोस्तों जिनके बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं आती है उनके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, पर दोस्तों जिनके मेरी जैसी दाढ़ी आती है हल्की हल्की पैची बियर्ड वाली, तो दोस्तों उनके लिए है ये वीडियो। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे बियर्ड ग्रोथ ऑयल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों काफी ऐसे बियर्ड मार्केट में अवेलेबल है जो कि दोस्तों दाढ़ी के लिए शाइनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और बहुत से बियर्ड ये दावा करते हैं कि वो जड़ से दाढ़ी उगा देंगे, बट दोस्तों ऐसे बियर्ड बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों काफी बियर्ड होते हैं उनकी मैं बात बिल्कुल भी नहीं करने वाला। बट मैं मेरे इस समय जो भी बियर्ड ऑयल यूज कर रहा हूँ वो दोस्तों है उस तरह का बियर्ड ऑयल, और दोस्तों बियर्ड ग्रोथ ऑयल है, यानी कि हमारी हल्की हल्की सी दाढ़ी आती है, यानी कि जिन लोगों की दाढ़ी आती है उनको ही मतलब बियर्ड को ग्रोथ देने में हेल्प करेगा। यानी कि जिनके बिल्कुल भी, अब जैसे मेरे यहाँ पे बिल्कुल दाढ़ी नहीं आ रही तो यहाँ पे लगाऊंगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है दाढ़ी आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हमारे जैसे अब यहाँ पे इधर बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं आती थी तो मैंने यहाँ पे अपना उस तरह का जो बियर्ड ग्रोथ ऑयल है उसको लगाना स्टार्ट किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हल्की हल्की दाढ़ी आना स्टार्ट हो चुकी है, और अभी आप देख सकते हो मेरे लगभग पूरे फेस पर ही जहाँ पे आनी चाहिए वहां पर बिल्कुल आ रही है। तो ये जो उस तरह का बियर्ड ग्रोथ ऑयल है आप देख सकते हो दोस्तों स्क्रीन पे, ये सिर्फ बियर्ड को ग्रोथ देने में ही हेल्प कर पाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसके बात करता हूँ, इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह और इसकी प्राइस वगैरह सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, प्राइस डिटेल्स और क्या इसके मतलब मुझे प्रॉब्लम आई। मैं दोस्तों आपको पता है कि ऑयली स्किन है मेरी, तो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में, धीरे धीरे देखते रहिए कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए कैसी हेल्प करती है, कैसी सूट करती है, या फिर कोई इचिंग की प्रॉब्लम आती है या फिर नहीं। तो गाइस वीडियो को देखते रहना लास्ट तक, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब मारो यार, वीडियो को लाइक कर देना। तो लेट्स गेट। सबसे पहले बात कर रहे हैं उस्तरा बियर्ड ग्रोथ ऑयल के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो गाइस इसमें ब्लेंडेड ऑफ 8 नेचुरल ऑयल्स फॉर नरिशमेंट, यानी कि इसके अंदर 8 नेचुरल ऑयल्स का यूज़ किया गया है फॉर नरिशमेंट के लिए, जिससे कि हमारी बियर्ड नरिश और मॉइस्चराइज रहे। इसके अंदर दोस्तों यूज़ किए गए हैं आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, आर्गन ऑयल, एवोकाडो ऑयल, कैस्टर ऑयल और आइसी बेरी ऑयल, वाटरमेलन सीड ऑयल का भी यूज़ किया गया है। और दोस्तों इसकी खास बात की बात मैं बताऊं कि इसकी पूरी तरीके से सल्फेट और पैराबिन फ्री है, इसमें किसी भी प्रकार के स्टेरॉइड वगैरह या फिर जो ऐसे ऑयल्स जो कि हमारे फेस के स्किन के लिए हार्मफुल हो उनका बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है। तो गाइस ये पूरी तरीके से हर्बल और या फिर आप कह सकते हो नेचुरली ऑयल से बना हुआ ही बियर्ड ऑयल है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको इसका कैसे यूज़ करना है। तो गाइस अपने हथेली पर थोड़ी सी अमाउंट में बियर्ड ऑयल निकाल लीजिए, जितना कि आपको अपनी बियर्ड पर अप्लाई करना है और अपनी मूछों पर अप्लाई करना है, और अपने हाथ पर इजीली आपको इससे मसाज कर लेनी है, जैसा कि आप वीडियो की स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो गाइस इस प्रकार अगर आप डेली रात को सोने से पहले बियर्ड ऑयल का यूज करेंगे और मसाज करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और ये रिजल्ट दोस्तों उन्हीं लोगों को देखने को मिलेगा जिनकी हल्की फुल्की पहले से बियर्ड आ रही है या फिर पैची बियर्ड आ रही है, और जिनके फेस पर बिल्कुल भी बियर्ड नहीं आ रही तो दोस्तों उनके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों बियर्ड ग्रोथ देने में ही हेल्प करता है। और गाइस ये हमारे फेस को, यानी कि जिन भाई लोगों की फेस का टाइप ऑयली है उनके फेस को हल्का हल्का सा ऑयली बना सकता है। अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके फेस को ऑयली बना सकता है तो गाइस आप उस तरह का ही एक दूसरा बियर्ड ग्रोथ ऑयल आता है जो कि सीरम टाइप में होता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर आपकी स्किन नॉर्मली टू ऑयली है या फिर ड्राई है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो गाइस इसके विजिबल रिजल्ट आप मेरे मुँह पर देख ही सकते हो कि मुझे इसका रिजल्ट कितना अच्छा
देखने को मिला है। और बात करें इसके प्राइस की, तो वैसे तो इसके ऊपर 399 रुपये प्राइस मेंशन किया हुआ है, बट ये लगभग 320-30 रुपये के समथिंग मुझे मिल गया था। मैंने इसे amazon.in से परचेस किया था। अगर आपको भी ये परचेस करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और ये पूरी तरीके से एनिमल्स पर भी बिल्कुल भी यूज़ नहीं की गई है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी बियर्ड को आकर्षक, घनी और बड़ी बनाना चाहते हो और दोस्तों शाइनी बनाना चाहते हो, तो आप बियर्ड ग्रोथ ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, इस उस्तरा वाले का। मैंने दोस्तों बियर्ड ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है, बट मैंने उस्तरा का ही यूज़ किया है। तो इसके बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ठोकिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ठोकिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।